हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज कैसे आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम में सब लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं ना कि अगर आपको कहीं पे भी जाना होता है तो आपको होता है कि यार कुछ बस 3-4 ऐसे प्रोडक्ट्स मैं रखूँ अपनी किट में जो कि बस जिनके साथ मेरा फुल मेकअप भी हो जाए और मेरे को ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े, और अलग अलग यू नो प्रोडक्ट्स रखने, उनको कैरी करना इतना हैवी हो जाता है, तो ट्रैवलिंग के लिए भी थोड़ा मुश्किल है। अगर आप वर्किंग हैं तब भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोज़ हैंडबैग में इतने सारे प्रोडक्ट्स रखने टफ लगते हैं, मुश्किल लगते हैं और बहुत हैवी भी हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ वही वाले प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि एक प्रोडक्ट होगा लेकिन उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपने मेकअप में। तो चलिए देखते हैं वो कौन से ऐसे 6 प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं और बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो प्रोडक्ट नंबर 1 गाइज वो है इनसाइट कॉस्मेटिक्स की आई शैडो पैलेट। दिस इज इनसाइट की, ये है प्रो आई शैडो पैलेट और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। और इसका जो शेड है वो है A, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसकी जो शेड रेंज है ना, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 6 शिमर शेड्स मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेबल हैं, बहुत ही क्रीमी हैं और इनका कलर पे ऑफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये वर्सेटाइल मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो कलर ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं ना, ये डे वेयर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको डे कोई सिंपल सटल मेकअप लुक करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई ग्लैम पार्टी मेकअप लुक करना है, स्मोकी आई मेकअप लुक करना है, ग्लिटरी मेकअप लुक करना है, इवनिंग पार्टी, कॉकटेल पार्टी, इवन वेडिंग मेकअप भी आप कर सकते हो इसके साथ। ये इतना ज़्यादा अच्छा पैलेट है, तो मैं आपको इसके थोड़े से स्वॉचेस भी दिखा देती हूँ। और ये इतने ज़्यादा यू नो इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ। इसका गोल्डन कॉपर कलर सारे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ सीधा कलर्स। दीज आर एक्सट्रीमली सुपर्ब कलर्स। शाइन देख रहे हो आप, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा अच्छी है। आई जस्ट लव दिस पैलेट और मुझे लगता है कि ये पैलेट आपकी किट में ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, आप इसको आई शेडो की तरह तो यूज़ कर ही सकते हो जिसमें आप बहुत सारे डे मेकअप कर सकते हो और बहुत तरह तरह के मेकअप्स कर सकते हो, लेकिन आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो इसमें, क्योंकि लाइट गोल्डन शेड दिया हुआ है, शिमरी शेड दिया हुआ है और हर स्किन टोन के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई जस्ट लव दिस पैलेट। और ये आई थिंक पैलेट भी जो थी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थी, लाइक 200 और 250 रुपीज़ की थी। और सबसे अच्छी बात ये इनसाइट कॉस्मेटिक्स की है, ये वीगन है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, इसमें कोई ज़्यादा अच्छी यू नो उस तरह के केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करेंगे। तो इट्स अ ब्यूटिफुल पैलेट, आई थिंक यू शुड मस्ट ट्राई। ओके, तो नेक्स्ट पैलेट जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो भी एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है गाइज, वो है पर्पल की ये दिस इज कंसीलर पैलेट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के शेड वाली कंसीलर नहीं लेने की ज़रूरत अगर आपके पास ये वाली पैलेट है। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ या मुझे कहीं पे भी जाना होता है, मैं यही वाला पैलेट अपने पास रखती हूँ क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इट्स वेरी 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 क्रीमी और इसमें आप कलर्स देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं। और इसमें जो मेरा शेड है मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगी क्योंकि यहाँ पे फिलहाल स्टिकर से यू नो मिट चुका है, लेकिन ये पर्पल की पैलेट है, पर्पल ब्रांड की, और आपको पर्पल के ऐप से आप खरीद सकते हो इसको। इसमें और भी बहुत सारे शेड्स आते हैं तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको यू नो पीच कलर का करेक्टर भी मिल जाता है, थोड़ा सा बहुत ही अच्छा वाला पीच कलर है ये। आपको इसमें येलो कलर मिल जाता है, आपको इसमें लाइट येलो अंडरटोन के 2 शेड्स मिलते हैं और एक पीच मिलता है, एक हल्का सा ब्राउन वार्म टोन मिलता है, मतलब इसमें सारे टोन्स आपको मिलते हैं। तो अगर आपको यू नो कलर करेक्शन करना है, कहीं पे पिगमेंटेशन है, पिंपल मार्क्स हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपनी पीच करेक्टर को यूज़ कर सकते हो। हाईलाइटिंग के लिए अगर आपको अंडर आई को हाईलाइट करना है तो आप इसको येलो कंसीलर को यूज़ कर सकते हो। यू नो इसके साथ आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, इसमें जो ये डार्क ब्राउनी सा शेड है इसके साथ आप कॉन्टोर कर सकते हो। तो इट्स अ वर्सेटाइल पैलेट, मुझे लगता है ये आपकी किट में ज़रूर होनी चाहिए। और ये इतनी ज़्यादा क्रीमी है, इतनी एफर्टलेसली ब्लेंड होती है, इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, यू मस्ट ट्राई दिस पैलेट। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है इस मंथ का, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है गाइज, वो है कीरो ब्रांड का। एंड यू नो आई लव कीरो, मुझे कीरो की लिपस्टिक सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने इसके बहुत
सारी लिपस्टिक्स, यू नो, लिक्विड लिपस्टिक्स ट्राई की थी, तो मुझे, और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी रिकमेंड की हैं कि आप कीरो की लिपस्टिक्स ट्राई करके देखिए, लेकिन अब कीरो ने न्यू लॉन्च करी हैं, तो ये है गाइस कीरो की फोर प्ले, इसका नाम है फोर प्ले नॉन स्टॉप एरी मैट लिक्विड लिप कलर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, लेकिन अंदर की पैकेजिंग जब आप देखोगे आप खुश हो जाओगे। सो गाइज, दिस इज द इनर पैकेजिंग, लुक एट दिस, तो ब्यूटिफुल न्यूड शेड्स। आपको पता है कीरो जो है सबसे ज़्यादा फेमस है अपने न्यूड शेड्स के लिए, इतने अच्छे अच्छे न्यूड शेड्स हैं ना, मतलब मेरा मन करता था कि यार मेरे पास सारे, काश मेरे पास सारे न्यूड कलर्स हों, तो वो जो काश वाली जो थी ना, मैं एक जो ड्रीम लेती थी, वो ड्रीम आज पूरा हो गया है। इसमें आपको कितने सारे शेड्स मिल रहे हैं आप देख सकते हो। तो ये है गाइस, मेरे पास दो शेड्स हैं इनके, ये है सुप्रीम क्वाड, जिसमें आपको सारे ही न्यूड शेड्स मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 शेड्स मिलेंगे, और नेक्स्ट है अल्टीमेट क्वाड, इसमें आपको इस तरह के थोड़े से डार्क न्यूड्स मिलते हैं, इसमें थोड़े से सटल न्यूड्स हैं, दिस इज द सटल न्यूड, जिसमें सुप्रीम क्वाड में थोड़े आपके सटल न्यूड मिलेंगे, लाइक फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो ये वाला है ना अल्टीमेट क्वाड, ये मीडियम टू डस्की स्किन टोन्स वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके स्वॉचेस भी मैं आपको दिखाती हूँ, और मुझे ये वर्सेटाइल इसलिए भी लगा क्योंकि एक ही लिपस्टिक रखा पर्स में एंड यू आर गुड टू गो। आप इसमें से आप डे में अलग तरीके का शेड लगा सकते हो, लाइट न्यूड लगा सकते हो, यू नो, इवनिंग में अलग लगा सकते हो, नाइट पार्टी मेकअप लुक के लिए आप डिफरेंट लगा सकते हो, लिप लाइनर के साथ, विदाउट लिप लाइनर के साथ, आप इसके साथ एज अ ब्लश को भी आप यूज कर सकते हो, न्यूड ब्लश, आप इसको आईज पे भी यूज कर सकते हो, आप इसके साथ कॉन्टोरिंग कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इतनी मल्टीपर्पज है ना ये, और इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है लिप्स के ऊपर, मैं क्या बताऊँ आपको, लिप्स के ऊपर फील ही नहीं होगा कि आपने लिप्स के ऊपर कोई लिक्विड लिपस्टिक लगा रखी है। और मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ, तो आपने जब इसको खोलना है ना, ये छोटा सा निकलेगा इसके अंदर से इस तरह से, और आप इसको यूज कीजिए अपने लिप्स के ऊपर, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग, वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी लाइट, वेरी वेरी यू नो लॉन्ग लास्टिंग, मैं ये भी बोलूंगी इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वेरी वेरी कंफर्टेबल, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है लिप्स को, बिल्कुल बिल्कुल चैपी क्रैकी नहीं दिखाती है लिप्स पे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और ये गाइस ट्रेवल फ्रेंडली, तो मैंने आपको जैसे कि बताया है, ये लाइट वेट है, ईजी है, और बहुत ईजिली स्प्रेड होती है आपके लिप्स के ऊपर और नरिश करती है आपके लिप्स को। और इसमें एवोकाडो ऑयल जो आपको और आपकी लिप्स की जो स्किन है उसको रिपेयर करता है और प्रोटेक्ट भी करता है और आपके लिप्स को हाइड्रेट करके रखता है। तो इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। और इसके जो लिप्स वॉचेज है मैं आपको साइड बाय साइड दिखाती जाऊंगी, सारे ही बहुत ही ज्यादा स्टनिंग शेड्स हैं, लाइट न्यूड से लेके पिंक न्यूड, ब्राउन न्यूड, डार्क ब्राउन न्यूड, हल्का सा प्लम न्यूड, या कितने तरह के न्यूड्स आप बस इमेजिन कीजिए न्यूड शेड, और आपके लिए वो हाजिर हो जाएगा इस फोर प्ले लिक्विड लिपस्टिक्स में। तो मुझे लगता है ये मस्ट हैव लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। और कीरो जो है सबसे ज्यादा फेमस है अपने स्किन फ्रेंडली, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि आपकी स्किन को हार्म करेंगे, बल्कि वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो और क्या चाहिए, मस्ट ट्राई गाइज, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट, आई जस्ट लव इट एंड हाईली 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 रिकमेंड। Hey guys, so next product जो मेरे पास है वो है, इट्स अ पैलेट, ये है शुगर की पैलेट, ये है कॉन्टोर डिफोर्स फेस पैलेट इन द शेड 01 सटल समिट, और ये बहुत ही अच्छी पैलेट है, और ये पैलेट कम से कम मैं पिछले 2 साल से यूज कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग पैलेट है। जब भी मुझे कहीं जाना होता है, अपने पार्टी में जाना है, पार्टी में नहीं, लाइक अगर मुझे ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं इसको जरूर रखती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो आपको बहुत अच्छा मिरर मिल जाता है, देख सकते हो आप कितना अच्छा मिरर है, और इसमें जो शेड्स है ना, आपको 3 से 4 शेड्स मिलते हैं, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। इसमें आपको ब्लश मिल रहा है, हाइलाइटर मिल रहा है, और इसके साथ आप कॉन्टोर कर सकते हो, इस कॉन्टोर शेड को आप अपनी यू नो आई मेकअप कर सकते हो इस पूरी पैलेट के साथ। जरूरी नहीं आपको फेस के लिए यूज करना है, आप इसके साथ आई मेकअप कर सकते हो, इसके साथ आप अपना क्रीज पे लगा सकते हो, या आप अपने यू नो आईलेट पे लगा सकते हो, शिमर शेड को आप यूज कर सकते हो एज अ हाईलाइटर अपनी आई इनर कॉर्नर के लिए, आईब्रोज के लिए अपनी आई मेकअप आप इसके साथ कर सकते हो। इट्स अ मल्टीपर्पज पैलेट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पैलेट, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, और ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, सी
कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इट्स वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही अच्छे। मुझे शुगर के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो आई हाईली रिकमेंड दिस। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे लगता है ये भी वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, तो गाइज वो है शुगर कॉस्मेटिक्स का। अगेन दिस इज गाइज शुगर कॉस्मेटिक्स का, दिस इज ब्लिंग लीडर एल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर इन द शेड 02 पिंक ट्रिपिंग। वैसे इसमें आपको कुछ गोल्डन शेड और पीच भी मिलता है, लेकिन मेरे पास जो है वो पिंक ट्रिपिंग है। गाइज दिस इज अ वंडरफुल मॉइस्चराइजर, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, आपका एक हाईलाइटर का काम भी करेगा, एक स्ट्रोब क्रीम का काम भी करेगा, और आपकी जो स्किन है इतनी ज्यादा ल्यूमिनस ग्लोई स्किन लगती है, तो आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। आप इसको अपनी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कंसीलर में मिक्स कर लीजिए, आप अपनी फाउंडेशन में मिक्स कर लीजिए, जैसा आपको मेकअप बेस मेकअप अच्छा लगता है आप सिर्फ इसको मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। चाहे आप इसको पहले लगा लीजिए, उसके ऊपर आप अपना फाउंडेशन या कंसीलर लगाइए, एंड यू आर गुड टू गो। और आपकी स्किन जो है इतनी ज्यादा इल्यूमिनेटिंग ग्लोइंग लगती है, इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, और ये प्राइमर का काम भी करती है, तो ये और भी ज्यादा अच्छा है, लाइक आपकी यू नो स्किन जो है प्रेप कर देती है मेकअप के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसमें कोई भी इस तरह के यू नो चंकी पार्टिकल्स नहीं है, वो जो ग्लिटर वाले चंकी पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा सटल है, बिल्कुल यू नो डे वेयर के लिए, जब अगर आपको चाहिए कुछ बहुत ही हाइड्रेटिंग, और अभी विंटर्स भी आ रही हैं, तो आप इस तरह के हाइलाइटर्स में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। ये जिस तरह की वो मैक की स्ट्रोब क्रीम आती है ना, ये बिल्कुल उसका ड्यूप है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मस्ट ट्राई। ओके गाइज, तो लास्ट प्रोडक्ट, सिक्स प्रोडक्ट जो मेरे पास है गाइज वो है ये, दिस इज पेरीपेरा का इंक वेलवेट। इसमें जो शेड है मेरे पास दिस इज 27 न्यूड। ये गाइज इतना ज्यादा वायरल हुआ था ना, मैंने हर एक यू नो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह इसको देखा, और मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था, और इसका नंबर जो मेरे पास है वो है 27। इट्स अ ब्यूटिफुल, या मतलब इसको बोल सकते हैं न्यूड, पिंकिश न्यूड शेड, बहुत ही प्यारा। आज मैंने अपने लिप्स पे भी लगा रखा है, लाइक अगर आपको नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, आप इसको अपनी आईज पे लगा सकते हो हल्का सा यू नो फ्लशी लुक देने के लिए, आप अपनी चीक्स पे यूज कर सकते हो ब्लश, हल्का सा यू नो सटल ब्लश के लिए आप इसको लिप्स पे यूज कर सकते हो। लाइक इट्स अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट, आप इसको ब्रश के साथ, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, किसी भी तरीके से आप इसको यू नो यूज कर सकते हो। अगर आपने लिपस्टिक एज अ लिपस्टिक यूज करना है तो आप इसको लिप लाइनर के साथ लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा शेड है, आप देख सकते हो शेड इज सो प्रिटी, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे आपको शेड्स मिल जाते हैं, तो आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट शेड है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है ये मल्टीपर्पज है, लाइक अगर मुझे नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए तब भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ, अगर मेरे को घर पे कुछ लगाने का मन नहीं है मैं सिर्फ इसको लगा लेती हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, लाइक आराम से 5 से 6 घंटे आपका जो है ये मेकअप एज इट इज रहता है, बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग। तो गाइज ये तो थे मेरे 6 प्रोडक्ट जो कि मुझे लगता है कि ये वर्सेटाइल है, अमेजिंग है, बेस्ट क्वालिटी है, और आपको इनको जरूर 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 अपनी किट में रखना चाहिए, और ये मेरे फेवरेट्स भी हैं, मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो तो आप इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो ये तो थी मेरी सजेशंस, और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।